नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन पे। मैं हूं आयुष और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा रिलीज किया गया एक वीडियो के बारे में, जिसमें वो जनता से अपील कर रहे हैं कि कृपया करके आप लॉकडाउन का समर्थन करें। अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद बात है कि एक डीजीपी, एक रिप्रेजेंटेटिव को ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि कृपया करके आप लॉकडाउन का पालन करें। ये ऐसा समझ लीजिए कि मानो कि हम एक बच्चे को बोला जा रहा है कि आप जैसे देखते थे बचपन में, बच्चे को आप मना करो फिर भी वो कुत्ते का पूंछ पकड़ने जाता है, चाहे वो कुत्ता छोटा हो या बड़ा हो उसके पूंछ को पकड़ने जाएगा, राइट। भले ही उसको ये नहीं पता होता है कि वो काट लेगा, लेकिन हमें पता है, आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कंडीशन आ सकता है हमारे देश में कि हम लोग संभलने लायक नहीं रह पाएंगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन में भी बाहर निकल रहे हैं, बिना वजह के भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो ये वैसे ही बात होगी बचकानी, जैसे कि आपको मना किया जा रहा है, बच्चे को जो करने के लिए मना करें आप, बच्चा वही काम करेगा। तो कृपया करके प्लीज ऐसा ना करें, आपकी फैमिली भी इफ़ेक्टेड होगी, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, हर किसी का एक फैमिली होता है, और वो अगर दुख में हो तो उससे बड़ा पीड़ा और कोई नहीं हो सकता। तो कृपया इस बात को समझिए। हमारे जो डीजीपी थे बिहार के, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हम लोग, उन्होंने बोला, क्लियरली ये मेंशन किया है कि बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के होने के बावजूद बाहर जा रहे हैं। अब बताइए बाहर जाके, भैया पता है आपको कि ईरान, इटली, यूएसए, स्पेन, चाइना क्या हाल से गुजर रहा है? कुछ नहीं तो न्यूज़ तो आप देखते ही होंगे। भले ही वहाँ पे नौटंकी चल रहा है, मदारी का खेल चल रहा है, लेकिन वो लोग भी बताते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। भले ही टीआरपी का खेल हर जगह पे होता है, तो वहाँ पे भी, लेकिन आपको न्यूज़ दिया जाता है कि कौन से देश में क्या हाल है, क्या कंडीशन है। तो उससे भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, समझिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, वो चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये बात को मानना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का दायित्व हम लोगों जैसे लोगों पे पड़ता है, आप लोग जैसे समझदार लोगों पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो लोग समझदार नहीं हैं, उनको जान का खतरा नहीं है, बस उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका अभाव है। तो इन्फॉर्मेशन का अभाव होने के कारण बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग भी, उनका डेथ हो, उनके फैमिली उनके उसके कारण सफ़र करे या फिर कुछ, ऐसा नहीं है। वो लोग भी मजबूरी में जा रहे हैं, इस बात को भी हम समझते हैं, सरकार भी समझती है, और इसके लिए वो ज़रूरी कदम भी उठा रही है। गरीबों के लिए कैसे क्या कुछ किया जाए, वो लोग, सरकार भी इसके लिए कदम उठा रही है। तो आप जब तक समर्थन नहीं करोगे, ये सफल नहीं होगा प्रयास, तो आपको करना पड़ेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, चाहे वो कोरोना वायरस से रिलेटेड हो या फिर देश के किसी भी घटना से, देश विदेश में कोई भी घटना हो, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि आप कर दोगे तो मुझे बहुत सारे इससे मनी मिलेगा। अगर आपको देखना है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हम लोग कोई भी मनी मेकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस समय में मैं जो भी जानता हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं अभी जहां पे हूं आईटी में, यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल है, तो उस उन सभी इंफॉर्मेशन को मैं चाहता हूं कि मैं जितने लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, जितने लोगों तक मैं पहुँचा सकता हूँ, मैं उतना मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही रिच फैमिली से आता हूँ, मैं आपकी कंडीशन को नहीं समझ सकता। मैं उसी कंडीशन से उभर के आया हूँ, उसी कंडीशन से अभी ऊपर चल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जितने लोगों तक ये पहुँचा पाऊँ उतना मेरा सौभाग्य होगा। तो आप देखिए इन डीजीपी का ये वीडियो, डीजीपी जी जो हैं हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने अपील किया है, आप लोग समझिए और थोड़ा सा इनके अपील को गौर फरमाइए, हमारे देश के लिए भला होगा, आपके लिए भला होगा। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ तमाम बिहार के लोगों से, हर जात हर मजहब के, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, मजदूर हों, किसान हों, वकील हों, व्यापारी हों, हर जात हर वर्ग हर समुदाय के लोगों से अनुरोध करता हूँ, मान जाइए। आज लॉकडाउन था लेकिन गाड़ियां लेकर के तफरी करने के लिए लोग निकल गए, बहुत लोग, ये एकदम उचित नहीं है। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कंप्लीट कर्फ्यू की तरह, एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज केवल चालू है,
जैसे राशन की दुकान हो गई, गैस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, दवा की दुकान, हॉस्पिटल जाना हो, इसके अलावे कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा। आप ये समझे लॉकडाउन का मतलब एक तरह का कर्फ्यू है, और ये आपके लिए है। आपने सहयोग किया जिस दिन जनता कर्फ्यू का दिन था, तो पूरी दुनिया ने इसको देखा, बिहार के अनुशासन को, आपके धैर्य को, और ये पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह के धैर्य का परिचय देना है, उसी तरह के अनुशासन का परिचय देना है। ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, ये सरकार आपको बचाने के लिए कर रही है, ये बिहार को बचाने के लिए कर रही है, ये पूरे मुल्क को बचाने के लिए कर रही है, मानवता को बचाने के लिए कर रही है। सरकार को शौक नहीं है कि आपको घर में बंद करके रखे। ये संक्रमण से फैलता है कोरोना, आपको नहीं पता कौन आदमी कहां किससे स्पर्श कर गया है, और किसी के स्पर्श मात्र से ये कोरोना फैल जाता है। बहुत ही भयावह स्थिति है। कल से 31 तक आज भी था, कल से 31 तक शपथ खाइए कि आपातकालीन परिस्थिति को छोड़कर आप किसी भी परिस्थिति में घर से नहीं निकलेंगे। और ये केवल शहर के लोगों के लिए नहीं है, देहात के लोगों के लिए भी है। इस वीडियो को एकदम अधिक से अधिक शेयर कीजिए, गांव तक पहुंचाइए, एक एक घर तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले। गांव में कोई गुजरात से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई दुबई से आया है, कहीं कोई इंग्लैंड से आया है, कोई जापान से, कहीं दुनिया में किसी भी कोने से गांव में लोग आए हैं। तो गांव के लोगों को भी बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा कोई आदमी आए, तुरंत अपने जिला प्रशासन को सूचित कराइए, उसकी जांच करवाइए, और बहुत सम्मान के साथ उसको क्वारंटाइन कीजिए कि अकेले रहो, लेकिन उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दे दीजिए। कोई भी नहीं निकले प्लीज, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने बिहार के भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, मजदूरों से, किसानों से, वकीलों से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, जो अनिवार्य सेवा, इमरजेंसी सेवा में है, उनके लिए इससे छूट है। पुलिस को छूट है, उसी तरह से डॉक्टर्स को छूट है, चिकित्सा सेवा को छूट है। बाकी कोई आम जनता अनावश्यक तफरी करने के लिए मटरगश्ती, जितने अपने काम है सबको स्थगित कर दीजिए। दुनिया नहीं बदल जाएगी, कोई कयामत नहीं आ जाएगी, सब काम बंद। 31 तक केवल अपने घर में बाल बच्चा परिवार के साथ रहिए, एकदम मत निकलिए। बहुत इमरजेंसी हो दवा की दुकान पर जाना हो, या बहुत इमरजेंसी हो राशन की दुकान पर जाना हो, तो जाइए, लेकिन एकदम इमरजेंसी में हाथ जोड़ करके कल से, सुबह से 31 मार्च तक बिल्कुल घरों से नहीं निकलना है। जो जनता कर्फ्यू के दिन रविवार को आपने नजारा पेश किया, वही नजारा बिहार में 31 मार्च तक अगर आप पेश करेंगे, हिम्मत, धैर्य, अनुशासन का परिचय देंगे, कोरोना हार जाएगा, कोरोना भाग जाएगा, हम जीत जाएंगे, बिहार जीतेगा, देश जीतेगा, मानवता जीतेगी। हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं। तो देखा दोस्तों, जैसा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट बकायदा रिक्वेस्ट किया कि भैया ऐसा मत कीजिए। वो लोग पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो लोग बस चाह रहे हैं कि हमारे देश में कंडीशन ख़राब नहीं हो, इटली, ईरान और यूएसए और स्पेन जैसा कंडीशन हमारा ना पहुंच पाए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। हमारे पास क्या है, प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो अभी मौका है देश दुनिया को दिखाने का कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर बात हमारे नेशनलिटी, हमारे देश के खतरे पे आएगी, तो हर कोई एक हो जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, चाहे कोई भी ऊंच नीच का कोई भावना यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले हैं हिंदुस्तानी, उसके बाद कुछ में बटेंगे, चाहे कोई राज्य पे हो या फिर समुदाय पे। तो इसके लिए आपसे निवेदन है, कृपया करके इस जागरूकता को फैलाएँ। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे वीडियो को फैलाएं, ज़रूरी नहीं है। आपकी मर्जी हो, आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, नहीं मर्जी है मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है आप किसी और को फॉरवर्ड कर दीजिए। मतलब अपने, चाहे फ़ोन करके उनको बता दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जैसे भी हो, बस अवेयरनेस फैलाइए। मेरे वीडियो आप तक पहुँची, आप
मेरी जो थॉट है उसको समझ लिए, क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, बस इसको फैला दीजिए। सब लोग अगर एक हो गए तो कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो टल नहीं सकता, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे हम लोग डील नहीं कर सकते। हम लोगों ने पहले भी बताया है, दुनिया को रास्ता दिखाया है और इस बार भी हम लोग दिखा के रहेंगे, पहले हिंदुस्तान फिर कुछ और। तो इसके साथ विदा लेता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।